अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आशिक रहमान। मैं अभी हूं मस्जिदुल नबी में, मदीना पे, ठीक मस्जिदुल नबी का आगे। ये देखें मदीने में एक प्यारा सा बिल्ली, बहुत प्यारा है। शायद लग रहा है ये भी फ़ोटो उठना चाह रहा है। इधर देखो इधर, ओहो माशाल्लाह। आज जुम्मे के टाइम में बंदे लोग ये रोड तक यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। मदीना मस्जिद नबी का ठीक सामने वाला हिस्सा है, कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत खूबसूरत एरिया है ये। जुम्मे का नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जुम्मे का नमाज पढ़ना हो थोड़ा जल्दी आना पड़ता है, नहीं तो आगे अंदर जगह नहीं मिलते। यह है मदीना का गलिया, कितना खूबसूरत और कितना क्लीन है देखिए। ये मस्जिद नबी का बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है, ये सब होटल्स है यहाँ पे। ये होटल है, जितना भी है ये सब होटल है बड़ा बड़ा। ये बहुत ही खूबसूरत गेट है, अक्सर लोग यहाँ पे फ़ोटो खींचते रहते हैं। आप देख रहे हो मेरे सामने एक दो बंदे फ़ोटो खींच रहे हैं। ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, ठीक मेरे सामने है ये रोज़ा मुबारक। ये ग्रीन कलर का गुम्बद देख सकते हो आप, उसका नीचे है। और इधर है जन्नतुल बकी, जो सेकंड वाला दीवार दिख रहा है आपको उसका पीछे है जन्नतुल बकी। अभी अंदर जाने नहीं देते, इंशाल्लाह फिर कभी आपको अंदर जाके दिखाएंगे। ये मस्जिद गमामा है, बहुत ही प्यारा मस्जिद है ये। कबूतर के यहाँ बहुत सारा कबूतर भी है, बहुत सारा। मक्का मदीने में हर जगह कबूतर बिल्ली बहुत सारा रहता है, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा हर जगह पे। ये मस्जिद गमामा है, देखिए बंदे लोग जुमा का नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इधर से भी बहुत प्यारा सा एरिया है। ये देखिए हमारे मस्जिद नबवी है। अभी मैं भी अंदर जा रहा हूँ जुमा का नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मंजर। मैं अभी चलता हूँ मस्जिद का अंदर। मैं सुरतार लोग वीडियो करने नहीं देते पुलिस, अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, अंदर जाने के बाद वीडियो चालू करूँगा। ये हमाम का एरिया है, यहाँ वजू खाने हमाम नीचे है। इधर किंग का एरिया है इधर। इधर आप और भी नीचे जा सकते हो हमाम के लिए। हमाम का मतलब टॉयलेट है, अरबी में टॉयलेट को हमाम बोलते हैं। और वजू खाने भी है, चार फ्लोर है यहाँ पे वजू खाने और टॉयलेट के लिए। एक ये वाला है, तीसरा है, ये नीचे वाला चौथा है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वजू खाने कैसे रहते हैं। मस्जिद नबवी में वो पार्किंग है, ये वजू खाने हैं। देखिए वजू खाने में भी सोशल डिस्टेंस है, ये बंद है नल, इधर बैठ सकते हो, इधर बंद है इधर बैठ सकते हो। माशाल्लाह वजू खाने भी कितना क्लीन है देखिए। ये टॉयलेट है, टॉयलेट ऐसे रहता है। जो बंदे आए नहीं मस्जिद नबवी में, मैं उनके लिए सब दिखा रहा हूँ, तो हर कोई देखना चाहती है यहाँ पे कैसे रहते हैं, टॉयलेट हो या वजू खाने हो, ये आप लोग के लिए मैं दिखा रहा हूँ बस। जो आए हैं यहाँ उसको तो पता ही है यहाँ पे कैसे रहते क्या है। मैं अभी वजू बनाता हूँ, उसके बाद चलते हैं मस्जिद नबवी के अंदर। अगर थोड़ा सा लेट हो गया अंदर जगह नहीं मिलेगा, अभी जल्दी से वजू बनाते और चलते अंदर।
बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नहीं तो वन अभी चलते मस्जिद नबवी के अंदर। ठीक सामने है हमारे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। अभी मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले वीडियो शूट करने नहीं देते, अगर देख लेगा छीन लेगा, नहीं तो अंदर रखने बोलेगा, तो उससे अच्छा पहले से रख दूँ मैं मोबाइल कैमरा अंदर। इधर रखना है सही से, ये रैक कुरान रखने के लिए है। चप्पल अंदर लाने से इधर रखना चाहिए आपको, इधर रखना और ये नंबर देख लेना क्या आपको याद रहेगा। अंदर कालीन में ऐसा मार्क लगा हुआ है सोशल डिस्टेंस के लिए, हर कालीन पे ऐसा होगा। ये देखिए जो दिख रहे ना ये एयर कंडीशन के लिए, मस्जिद का हर कॉलम पे है। ठीक पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स, शॉपिंग मॉल, बहुत सारा दुकानें हैं। बहुत सुकून वाला जगह है और बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। यहाँ पे देखिए रोडों का काम चल रहा है, अच्छी का एरिया है। बंदे अभी जुम्मे का नमाज पढ़ के आ रहे हैं।